हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज SBI अप्रेंटिस का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और इसका एग्जाम डेट भी जारी हो गया है। तो इस वीडियो में आपको हम एडमिट कार्ड को लाइव चेकिंग करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपको सभी जॉब का हर अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है फास्ट जॉब, इस तरह का लिखकर आपको सर्च मारना है फास्ट जॉब्स, इस तरह का आपको लिखकर सर्च मारना है। तो आप जैसे ही सर्च मारते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पर एक आपको वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा फास्ट जॉब सर्च का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फास्ट जॉब सर्च का ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट खुल कर आएगा। फिर आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पर आपको देखना है न्यू अपडेट के ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है नीचे में SBI अप्रेंटिस एडमिट कार्ड आउट, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से इस तरह का आएगा इंटरफेस। फिर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एडमिट कार्ड है जो रिलीज यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड स्टेटस रिलीज, यहाँ पर SBI अप्रेंटिस एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है 20 नवंबर को, और इसका यहाँ पर एग्ज़ाम देख सकते हैं कि 7 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है जो होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब एडमिट कार्ड को हम चेक करते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिंक है जो दिया गया है यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसका लिंक जो यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर SBI का यहाँ पर इस तरह का लिंक खुल कर आएगा, वेबसाइट खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज को चूज करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का दिया गया है, तो अगर आप एडमिट कार्ड को हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करना है, अगर आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करना है। चलिए हम हिंदी में करते हैं, तो हम हिंदी पर क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो आपको पास तो रोल नंबर तो अभी नहीं होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर डालना होगा। जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको पासपोर्ट या डेट ऑफ बर्थ को डालना है, यानी कि यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को डालना है। इस फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है, पहले दिन महीना फिर ईयर, इस फॉर्मेट में आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पर इस दिया गया है कैप्चा कोड, तो यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर दिया गया है लॉगिन का ऑप्शन, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आपका जो एडमिट कार्ड खुल कर आएगा फिर उसको डाउनलोड कर लेना है। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कुछ नोटिस दिया गया है कि यहाँ पर इसका एडमिट कार्ड है जो रिलीज हुआ है 20/11/2023 को, और एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं 7/12/2023 तक, यानी कि 7/12/2023 तक इसका लिंक है जो एक्टिव रहेगा, फिर इसका लिंक है जो बंद हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।